पंजाब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह निज पदर इस्तीफा देते कांग्रेस विधायक दल बैठक किसी समय पूर्व से राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित भेटी इस्तीफा देते इस्तीफा देवा से सांबादिकांग से अपमानित अनुभव करने इस्तीफा देते निज समर्थक मान आलोचना पर से निजर भविष्य कार्यपंथा संपर्क में निष्पत्ति ने कहते अगोचर में गत दुई मस थर कांग्रेस विधायक दल बैठक डक द्वारा से अपमानित अनुभव कर कैप्टन अमरिंदर इस्तीफा पर पंजाब कांग्रेस रे विवाद आहरी तीव्र होबार आशंका देखादी आज अपराह्न पांचटा बेले कांग्रेस विधायक दल बैठक डक बेले से संपर्क में मुख्यमंत्री को सूचना दि जापर मुख्यमंत्री इस्तीफापी निष्पत्ति कांग्रेस विधायक दल बैठक में नवज्योत सिंह सिद्धू शिविर पक्ष जड़े नुआ मुख्यमंत्री नाम घोषणापी दाबी करिपारंती सिद्धू पछरे गांधी परिवार समर्थन थिबारु दाबी को ग्रहण करा संभावना रही अमरिंदर पछरे किछि चार मंत्री और एगार विधायकों समर्थन थिबा कहुछि तबे एही मंत्री और विधायक माने कांग्रेस विधायक दल बैठक में जोग देउछन्ति कि नहीं ता उपरे समस्तंक नजर रहिछि। राजस्थान में विवाह बाध्यतामूलक पंजीकरण पर संशोधन बिल आज विधानसभा वॉइस वोट द्वारा पारित होती बिल पारित होगा नहीं राज्य में नुआ विवाद छिड़ा होती बीजेपी कही बिल पर बाल्य बहुत बैध होपरपक्ष कांग्रेस बीजेपी प्रसंग को भांगी रुचि यह करुच्ची विरोधी उपनेता राजेन्द्र राठौर और बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी संशोधन बिल को कलायन बोली अशोक लाहोटी कहते जे संशोधित बिल बाल्य बहुत अनुमति देती विरोधी सदस्य नाराबाजी कर पाखरे पहुंच जाइथिले किंतु वॉइस वोट द्वारा बिल पारित कराइथिला मत विभाजन दाबी स्वीकार करा न जिपारु बीजेपी सदस्य गृह को बाहर जाइथिले ओ एहाकु कला आइन बोली कहिथिले। तीन दिन धरी मुंबई बासभवन तलाश करबा परे अभिनेता सोनू सूद 20 कोटी रु अधिक टंकार टिकस फांकीथिबा कथा आज एक बिबृति रे आयकर विभाग कहिछि। आयकर विभाग कहिछि विदेशी अनुदान आइन उल्लंघन करी सूद को लाभ रहित संस्था सूद चैरिटी फाउंडेशन गोटे क्राउड फंडिंग प्लाटफर्म जरिया दरियापारी दाता 2.1 कोटी टंका जोगाड़ करछि। आयकर विभाग आहरी अभिनेता एवं तांको सहयोगी मानक घर तलाश समय टिकस फांकी सम्बन्धी अपराधमूलक प्रमाण मिलिछि। बिना बंधक अनेक जाल संस्थान रु जाल ऋण भाव आसुथिबा तांकर हिसाब बहिर्भूत उपार्जन उपाय खोजी बाहर करबा थिला आमर उद्देश्य। जलबंदी अवस्था रही खंडायत साहर दुईगोटी परिवार को उद्धार कले अग्निशम कर्मचारी अड़ा दमकल बाहन पक्ष मौसुमी वर्षा जलमग्न थिबा दुईट परिवार को उद्धार कराई लघुचाप जनित वर्षा बालेश्वर जिला सिमुलिया ब्लक अंतर्गत क्षीरकोणा पंचायत में थिबा खंडायत साहर कांशकांश नदी हठात पा पशि फल दुईट पर पा पशि से स्थानीय अंचल नायब सरपंच प्रशांत ओझा को जनवापर अड़ा दमकल बाहन मुख्य सुदर्शन बेहरा नेतृत्व में अग्निशम दल दुईट परिवार 9 जन सदस्य समेत 3 गोरु 4 छेली 4 कुकुर और बतक को उद्धार करते पर बंकापटा प्राथमिक विद्यालय थैथान कर। राजनीति मैदान को पुणी थे कमबैक कले पूर्वतन केन्द्रमंत्री बाबुल सुप्रियो सबु चर्चा पूर्णच्छेद पकाई से टीएमसी रे सामिल होती विधिवत भाव से दल रे सामिल होती टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी एवं डेरेक ओब्रेन उपस्थित तृणमूल कांग्रेस से जोग देते गत किछि दिन तले बीजेपी छाड़ते बाबुल केवल दल छाड़ नथिले राजनीति रु सन्यास नहीं घोषणा करते हेले एबे पुणी थे से राजनीति को फेरी गत पश्चिमबंग निर्वाचन में से टोलीगंज रु टीएमसी रो अरूप विश्वास शोचनीय भाव पराजयर सम्मुखीन होते। प्रधानमंत्री 71वां जन्मदिन अवसर में कविसूर्यनगर बंदे मंदिर में बीजेपी पक्ष प्रदीप प्रज्वलन करने वृक्षारोपण बीजेपी राज्य कार्यकारिणी सदस्य रंजन पोली नेतृत्व में मंडल सभापति अशोक साहू पीतवास पंडा मुरलीधर पाणिग्राही डॉक्टर कांग्रेस प्रधान ड्राइवर माझी और युवनेता रमाकांत दोरा समेत बहु कर्मकर्ता जोगदे। कोविड 19 महामारी संक्रमण हेतु शुक्रवार दिन केंद्र सरकार परमानेंट अकाउंट नंबर सह आधार संजोग समय सीमा 2022 मार्च 31 तारीख पर्यंत वृद्धि करिसेंति। गतकाली एक प्रेस रिलीज रे आयकर विभाग सूचना देछि जे कोविड 19 महामारी कारणरु करदाता माने सम्मुखीन होतबा असुविधा प्रति दृष्टि दे पूर्वरु सेप्टेम्बर 30 तारीख रखा जायतबा आधार पान संजोग शेष तारीख को आहुरी 6 मास वृद्धि करागला यार समय सीमा पुनर्बार बढ़ाचाऊ बोली केतेक करदाता निवेदन करते। आधार पान संजोग शेष तारीख संशोधन करिबेरे चलित वर्ष एहाउची केन्द्र सरकार चतुर्थ निष्पत्ति। कोरोना भाइरस महामारी द्वितीय लहर जनित बाधा विघ्न हेतु गत जुलाई मासरे केन्द्र सरकार आधार पान संजोग शेष तारीख सेप्टेम्बर 30 पर्यंत बढ़ाई।
ବଡ଼ ଅମର ପ୍ରସାଦ ସାଇ ମନ୍ଦିର ତାଲା କାଟି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଓ ଅଳଙ୍କାର ବାସନକୁସନ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ କବାଟ ଓ ତାଲା କଟାଯାଇଥିବାର ଦେଖି ସଭ୍ୟପତି ଓ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୋଲିସର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ସାଇବାବାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ରୂପା ଛତ୍ରୀ ଓ ପାଦରେ ଥିବା ରୂପାବଳା, ବେକରେ ଥିବା 6 ସୁନା ଚେନ୍ ଓ ସୁନା ଓ ରୂପା ଚିତା ସବୁକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ନେଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ଆଲମରା ଭାଙ୍ଗି ଠାକୁରଙ୍କ ରୂପା ବାସନକୁସନ ଓ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଲୁଟ୍ କରିନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସାଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ମା ବାଇଦେବୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ 2 ରୂପା ମୁକୁଟ ଓ ସୁନା ଚେନ୍କୁ ଲୁଟେରାମାନେ ଲୁଟ୍ କରିନେଇଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ଓ ହୁଣ୍ଡି ବାକ୍ସକୁ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରାୟ 6 ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଲ୍ୟର ଅଳଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟି ନେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରବିବାର ଦୁବାଇରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ ମୁକାବିଲାରୁ ଆଇପିଏଲ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 4 ପରେ ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଫେରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିନା ଖେଳାଯାଉଥିବାରୁ ଏହା ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଦର୍ଶକ ଫେରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିଚିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପ୍ରସ୍ଥାନ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏହାକୁ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖିଦେଇଛି। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାରୁ ମେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ 29 ମ୍ୟାଚ୍ ସହ ଆଗୁଆ ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା। ଏବେ ରବିବାରଠାରୁ ଅବଶିଷ୍ଟ 31 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାର ଯୋଜନା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥଗିତ ରହିବା ପରେ ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବେ ନିଜ ନିଜ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସହ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କୈଶୋର୍ଯ୍ୟନଗର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ସମନ୍ୱୟ ମେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରପ୍ରାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ନାରାୟଣ ବେହେରାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ମେଳାକୁ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ନଗର ବିଜେଡି ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସାହୁ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ରସଲ ଦାସ, ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ, ବାସୁଦେବ ସାହୁ, ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଧାନ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଟେଇ, ଯୁବ ସଭାପତି ବିକ୍ରାନ୍ତ ସାହୁ, ବିଜୟ ମିଶ୍ର, ଏସ୍ଡିପିଓ ସୁଚିତ୍ରା ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।